भाजपा प्रत्याशी जोगेश्वर गर्ग ने रैली के रूप में पहुंचकर नामांकन किया पेश, तो पवनी मेघवाल निर्दलीय के रूप में 4 नवंबर को करेगी अपना नामांकन पेश। जालौर विधानसभा से भाजपा की ओर से प्रत्याशी जोगेश्वर गर्ग ने मंगलवार को अपना नामांकन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ जाकर रिटर्निंग अधिकारी प्रमोद सिर्वी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया। चुनाव मीडिया प्रभारी एडवोकेट सुरेश सोलंकी ने बताया कि जालौर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में जोगेश्वर गर्ग ने अपना नामांकन जिलाध्यक्ष राव श्रवण सिंह बोरली के साथ रहकर पेश किया। प्रस्तावक के रूप में सायला के पूर्व प्रधान जब्बर सिंह तोरा भी उपस्थित रहे। नामांकन प्रस्तुत करने से पूर्व भेड़ी मेक मैदान में जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, हिमाचल से विधायक व जालौर विधानसभा प्रभारी बलवीर वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष रविंदर सिंह बालावत व अमीशन जैन सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी जोगेश्वर गर्ग के समर्थन में उद्बोधन दिया। भाजपा प्रत्याशी जोगेश्वर गर्ग ने सभी से चुनाव में प्रचार में लगकर अधिकाधिक मतदान की अपील की। जनसभा का संचालन नगर महामंत्री व पार्षद दिनेश महावर तथा भाजयुमो जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिसोदिया ने किया। इस दौरान जिला प्रमुख राजेश राणा, एडवोकेट मधुसूदन व्यास, नगर परिषद सभापति गोविंद टॉक, प्रधान नारायण सिंह राजपुरोहित, सहिला प्रधान ढोमी देवी, विधानसभा चुनाव संयोजक दीप सिंह धनानी, हरीश राणावत, प्रकाश साजेड, उपसभापति अम्बालाल व्यास, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष ओबाराम देवासी, मंजू सोलंकी, मिश्रीमल मेघवाल, गणपत सिंह बघेड़िया सहित भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। उधर पवनी मेघवाल कर चुकी हैं निर्दलीय लड़ने की घोषणा। भाजपा से प्रत्याशी जोगेश्वर गर्ग के टिकट की घोषणा के बाद भाजपा की जिला मंत्री पवनी मेघवाल 25 अक्टूबर को सुराना में बैठक आयोजित कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि गर्ग पार्टी के प्रत्याशी हैं और वह सर्व समाज की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गर्ग के अलावा पार्टी ने किसी और को टिकट दिया होता तो वह चुनाव नहीं लड़ती। अब पवनी मेघवाल 4 नवंबर को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेगी। ऐसे में अब गर्ग को चुनाव में जीत के लिए अपनी ही पार्टी की जिला मंत्री की बगावत से पार पाना होगा। जो काम नहीं हुआ मैं हिम्मत दू और छत्तीस को हिम्मत दियो के पवनी भाई मैं बैठा हूँ और बहुत 10% लेना हूँ तो मैं दिल्ली हलवन के वो नवो इतिहास बनी, ये नया इतिहास बनेगा और जागरूकता आएगी और पवनी भाई को जिताएंगे। साथ में है